सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ नोटिफिकेशन। जिन्होंने अकीदा कुरान से सीखा, जो अकीदा आप रखते हैं, बरेलवी हैं वो अकीदा रखते हैं भाई कि उनको कब्र के ऊपर जो अल्लाह से दुआ करनी है तो वसीला चाहिए, उनके ऊपर सजदा करना है तो सजदा ताजीमी है, एक सजदा हराम है, लेकिन उनके अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि एक सजदा हलाल है, सजदा ताजीमी कर सकते हैं किसी को भी, उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उनके अंदर सैकड़ों किस्म के कॉन्सेप्ट है, गैरुल्लाह के लिए नजरो न्याज वगैरह, ये सारी चीजें, मिलाद वगैरह, वो चहल्लम चलीसा, ये सारी चीजें, ठीक है, जो भी है आप अपना अपने पास रखें। क्या इस चीज को आपने कुरान से सीखा है? क्या ये कुरान में आपने कहीं देखा है कि ये चीजें मौजूद हैं? अगर देखा है तो मुबारक, अगर नहीं देखा है फिर अकीदा रखते हैं आप ऐसा, तो आप क्या कर रहे हैं? कौन से यूनाइट होना चाहते हैं आप? किस यूनिटी की बात कर रहे हैं आप? अगर आप देवबंदी हजरात हैं तो आप कोई भी शख्स हो, मैं नहीं जानता यहाँ कौन है क्या है, अगर आप देवबंदी हजरात हैं तो आप 3 दिन 10 दिन 40 दिन के लिए, 1 साल के लिए आप जमात में जाते हैं, उसके अंदर एक किताब फजाइल अमाल को कसरत से पढ़ते हैं। आपने कभी तहकीक किया है कि आप जो 3 दिन 40 दिन 10 दिन के लिए जमात में जाते हैं ये कुरान में कहीं लिखा है, हदीस मुबारका में कहीं लिखा है, नबी कहीं जाते थे, सहाबा कहीं जाते थे, इस तरीके की कहीं जमात क्रिएट करते थे? आपने पढ़ा है उसको? आप जिस तरीके की नमाज पढ़ते हैं, आप जो आपका नमाज का तरतीब है, आपने देखा है कि नबी ऐसे नमाज पढ़ते थे? जो भी अकीदा है, अगर अहले हदीस है, अहले हदीस के अंदर जो भी उनका अपना अकीदा है, क्या अहले हदीस है, जो भी है उससे आप पूछे कि क्या आप अहले हदीस है, तो क्या आप जो भी अकीदा रखते हैं क्या आपने इस कुरान से अपना अकीदा सीखा है? अगर नहीं सीखा है, जो कोई हो, अगर कुरान से अपना अकीदा नहीं सीखा है तो 100% गुमराही में। अगर अकीदा कुरान से सीखा है तो मुबारक, जो कोई भी हो, अगर अकीदा कुरान से सीखा उसके पास दलील कुरान की है तो मुबारक, और नहीं है तो फिर आपका ठिकाना जहन्नम, आपको कोई नहीं बचा सकता है। तो जिस किताब को सबसे ज्यादा सीरियस लेनी थी वो किताब सबसे ज्यादा इग्नोर की गई। फिर यूनिटी कैसी, किस यूनिटी की बात कर रहे हैं आप? अब देखें आपको मैं कुछ अहम पॉइंट दिखाता हूं। ये देखें, ये किताब है, देखें यूनिटी रट लगाने से नहीं होती, यूनाइट होने के लिए एक टर्म चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक वे चाहिए। ये है किताब तज़किरतुर रशीद, ये देवबंदी हजरात की एक अहम तरीन किताब है। अगर यहाँ पे कोई हो तो अपने जहन को बिल्कुल खोल के सुन ले, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत दिखा रहा हूँ, मैंने तो किताब नहीं ना लिखी है भाई, मैं बयान कर रहा हूँ, मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ। ये किताब सब, ये तज़किरतुर रशीद है, ये अहम तरीन किताब है, ये रशीद अहमद गंगोई के बारे में। ये देखें, इस किताब के जिल्द 2 के सफा नंबर 17 पे लिखा है कि सुन लो, हक वही है जो मेरी बात जुबान से निकलती है, हक वही है जो मेरी जुबान से निकलती है। अब देखिए इसको मैं पूरी इबारत पढ़ देता हूं कि सुन लो, हक वही है जो रशीद अहमद की जुबान से निकलता है, और बक्सिम कहता हूं कि मैं कुछ नहीं हूं मगर इस जमाने में हिदायत व निजात मौकूफ है मेरी इत्तबा पर। आप लोग समझ रहे हैं, ये साहब कह रहे हैं कि हक वही है जो मेरी जुबान से निकलती है। अल्लाह ने कुरान में कहा कि कुरान हक है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि किताबुल्लाह और मेरी सुन्नत, मेरी हदीस। आप फरमा रहे हैं कि हक वो है जो मेरी जुबान से निकलती है, और आज के मैं कुछ नहीं हूं लेकिन आज के वक्त में, आज के हालात में मेरी हिदायत, हिदायत, हिदायत से मुराद जन्नत, अगर मौकूफ है तो वो है किस पर, मेरी इत्तबा पर। और कुरान सैकड़ों जगह गवाही दिया है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और ये साहब कह रहे हैं कि मेरी इत्तबा पर हिदायत मौकूफ है, मेरी इत्तबा पर। आप किस चीज की यूनिटी की बात कर रहे हैं, कौन सी यूनिटी की बात कर रहे हैं? उसूल करखी के अंदर उसके अंदर एक इबारत लिखी गई है, उसके अंदर लिखा गया कि हर वह कुरान की आयत जो आइमाए अरबा से मुराद 4 इमाम, उसमें इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, उसके में लिखा है कि हर वह कुरान की आयत जो इमाम अबू हनीफा के मुखालिफ हो उस कुरान की आयत को मनसूख कर दिया जाएगा। किस यूनिटी की बात कर रहे हैं? आपकी किताब में लिखा है उसी इबारत के अंदर कि हर वह नबी की हदीस जो इमाम के खिलाफ हो उसके अंदर तरमीम की जाएगी, उसको मनसूख समझा जाएगा, उसको ज़ईफ समझा जाएगा। किस यूनिटी की बात कर रहे हैं? कहां यूनाइट हो ये उम्मत? यूनाइट देखे, आम आदमी है वो नहीं जानता है, वो नहीं पढ़ा लिखा है, अलग की चीज है, लेकिन जो जानता है वो पढ़ा लिखा है ना, आम हर आदमी तो आम नहीं है ना, हर आदमी आप नहीं, तो जो किताबों को जानता है वो जानता है कि भाई आपकी फिकह चल रही है तो किस तरीके से चल रही है,
आपके पास अल्लाह ने उतारी थी दो किताब, एक कुरान हकीम एक नबी की हदीस। आपको इसकी इत्तबा करनी थी। आपको किसने कहा कि इन सारी किताबों की इत्तबा करें? आपको किसने कहा कि 150 साल पहले की लिखी गई फजाइल अमाल की इत्तबा करें, जिसके अंदर कम से कम 200 से ज्यादा कम से कम किस्सा सूफियों की लिखी हुई है? आपको किसने कहा? आप कैसे यूनाइट होंगे? ये देखें, आप ये किताब है अल मलफूजात आला हजरत, जिसके अंदर एक वसाया शरीफ, ये किताब है, ये वसाया शरीफ, ये लिखे हैं आला हजरत इमाम अहमद रजा खान। ये जो है बरेलवी हजरत, बरेलवी हजरत इन्हीं के नाम से मशहूर हैं, क्योंकि बरेली के थे तो मशहूर हैं ये। ये लिखते हैं अपनी किताब के अंदर, देखिए, कि मेरा दीन और मेरा मनहज वही है जो मेरी कुतुब से जाहिर हो, और ये मेरी किताबों से जाहिर हो, मैंने जितनी किताबें लिखी हैं उसी से जाहिर हो, और ये तमाम फर्ज से अहम फर्ज है, इसी को मजबूती से तुम थामे रहना। इनकी जुबान से, इनकी कलम से जो बात निकल गई है वो हक है, और तमाम फर्ज से आला फर्ज है, और उसी को मजबूती से थामे रखा जाए, और वही दीन है, ये इस्लाम है। किस यूनिटी की बात कर रहे हैं? अल्लाह ने कहा था वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअ, अल्लाह की रस्सी कुरान को थामो, आप थमवाने पे उड़े हैं अहमद रजा खान को। यूनाइट उम्मत कैसे हो? मैं चाहता हूं कि यूनाइट हो जाऊं, पर कैसे? कुफर पे तो यूनाइट नहीं हो सकता ना। मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का के अंदर दावत पेश किया था, अबू जहल को जब तौहीद की दावत दी थी, तो तौहीद वो क्या चाहता था अबू जहल? अबू जहल ने यही कहा था ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप दावत देते हैं आप देते रहे, मुझे फर्क नहीं है। आप कहते हैं कि अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं है, हम हजार को बुत पूजते हैं, एक और इजाफा कर लेंगे, एक अल्लाह को और पूजना शुरू कर देंगे, मुझे कोई फर्क नहीं। लेकिन ये जो कहते हैं ना कि ला इलाहा, कि कोई माबूद दूसरा नहीं है, ये मुझे मंजूर नहीं। कि दूसरा माबूद मत कहिए, आप कहिए कि इल्लल्लाह, अल्लाह माबूद है, इससे मुझे इत्तफाक है, लेकिन ला इलाहा मत कहिए। कि दूसरा लात है मेरा, उज्जा है, मनात है, वद है, सुआ है, यागूस है, याऊक है, नसर है, ये सारी हमारी भूते हैं, ये सारी हमारी खुदाएं हैं, तो हम इनकी इबादत करेंगे, हम इनके लिए जो है इनकी सिफारिशें करेंगे, हम इनसे दुआएं करेंगे। तो ये नहीं कहें कि ये खुदा नहीं है। हाँ, आप कहें कि अल्लाह खुदा है, आप माने कि हाँ रब जो है अल्लाह है, मुझे कोई तब जो है मसला नहीं है, और आइए इस बात में यूनाइट हो जाए। नबी यूनाइट हो गए थे, नबी यूनाइट हो गए थे, नबी ने अपने जमीर का सौदा कर लिया था। इस दावत को रोकने के लिए अबू जहल तो कोशिश किया ही, अबू तालिब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लखते जिगर जिंदगी भर माने हैं, वो अल्लाह के रसूल के पास गए कि मोहम्मद जो आप दावत देते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दावत दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अबू जहल ऐसे कह रहा है, अबू सुफियान ऐसे कह रहे हैं, तो फला ऐसे कर रहा है, ये वो ऐसे कर रहा है, वो सरदार ऐसे कर रहा है, आपको कत्ल की साजिशें रची जा रही हैं, तो खामखा जो है आपके ऊपर मुश्किलात आ जाएंगी। तो इस दावत को रोक दे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा कोई माबूद नहीं, इस दावत को रोक दे एटलीस्ट। अल्लाह के नबी ने कहा था कि चचा आप सूरज को मेरे एक हाथ पे ला के रख देंगे और चांद को एक हाथ पर ला के रख देंगे और कहेंगे मोहम्मद इस दावत से वापस हो जाओ, तो अल्लाह की कसम मैं इस दावत से वापस नहीं। तो नबी क्या इत्तफाक रख लिए थे उनकी बातों से? यूनाइट हो गए थे? नहीं हुए थे। तो यूनाइट के लिए टर्म होती है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी, जिसको कबूल करना था कबूल किया, जिसको नहीं करना था नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत किए, हिजरत करने के बाद जब वहां से दोबारा माइग्रेट हुए हैं, जो लोग इस्लाम कबूल किए, जिनके पास कोई रास्ता नहीं था वो भी इस्लाम कबूल किए, फिर सारे यूनाइट हो गए। तो यूनिटी के लिए टर्म होती है, और वो टर्म है कुरान, वो टर्म है हदीस। अगर आप इससे इत्तफाक रखते हैं तो मुबारक। अगर आप इन दो कौड़ी की किताबों को लेके, जो एक कहता है कि मेरी जुबान से जो निकले वो हक है, ये कहता है तमाम फर्ज से अहम फर्ज मेरा दीन है ये, और ये दोनों जो जमीयतों की बानी है, यूनाइट उम्मत कैसे हो? इनकी फिकह चल रही है आपकी किताबों, आपकी जमीयत के अंदर, यूनाइट उम्मत कैसे हो? किस यूनिटी की बात कर रहे हैं? तो उम्मत को यूनाइट होने के लिए वाहिद एक रास्ता है, जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा इग्नोर की जा रही है, वो है कुरान हकीम। कुरान हकीम, अगर इस कुरान के ऊपर पूरी जमीयत जो है, पूरी दुनिया इजमा कर जाए कि हमें जो अकीदा लेना है कुरान से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहदीस मुबारक से, तो उम्मत पूरी यूनाइट हो जाएगी। लेकिन अगर इसी को इग्नोर करके आप नमाज पढ़ रहे हैं, भाई हमारे आपके अंदर इख्तलाफ हो गई कि आप जो पढ़ रहे हैं गलत है, मैं कह रहा हूं कि नहीं भाई, जो आप पढ़ रहे हैं वो गलत है। अब इसको जज कहां से करेंगे? जज कैसे होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह निसा में कसम खाता है, सूरह निसा के आयत नंबर 65 के अंदर अल्लाह कसम खाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम है तेरे रब की, तेरे रब की कसम है कि वो मुसलमान मोमिन नहीं हो सकता है जब तक कि आपस के तमाम मामलात में आपको फैसला करने वाला ना मान ले। वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता, मतलब कि मामला इख्तलाफ कुछ भी हो गई,
अगर कोई इख्तलाफ हुआ तो अल्लाह कह रहा है कि नबी कसम है तेरे रब की, मतलब खुद की कसम खा रहा है, खुद की कसम खा के कह रहा है कि अब उसको उसके पास वाही दे का रास्ता है कि वो लौट आए आपके पास और आपसे आके फैसला करवा ले, और जो फैसला आप कर दे उसको तस्लीम कर। और यही नहीं कि सिर्फ तस्लीम कर ले कि नबी ने कह दिया 2+2=4 तो अब तो मानना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, नहीं, उसके दिल में जरा बराबर भी कोई सूसा नहीं होना चाहिए, उसके ऐसा नहीं कि दिल मुतमईन नहीं होना चाहिए, उसको दिल को भी मुतमईन करना पड़ेगा कि नबी ने जो कहा वो हक, तब जाके आप यूनाइट हो सकते हैं, तब जाके आप मुसलमान हो सकते हैं। तो आपसे मेरी इत्तेफाक हो गई मुस्लिम नमाज के ऊपर, तो आए भाई नबी की हदीस उठाते हैं, देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे नमाज पढ़ी है, और नबी ने जो नमाज पढ़ी है उसको कबूल कर ले। सिंपल बात है, अगर नबी ने नमाज नहीं पढ़ी है जो, आप उसको क्यों कबूल कीजिएगा, और या मैं क्यों करूं उसको कबूल। नबी का हक यह है कि इस इस्लाम के अंदर, इस्लाम का दो अहम मैं आप लोगों को पहलू बताता हूं, एक कि इबादत वाहिद अल्लाह की जाएगी, अल्लाह के साथ अगर किसी ने किसी को शरीक किया उसका ठिकाना जहन्नम, वो काफिर है, मुशरिक है। और इत्तबा तरीका इबादत का हो या कोई मसला हो, वो वाहिद एक शख्स की अख्तियार की जाएगी, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में किसी को शरीक की गई, वो इंसान भी काफिर। जिस तरीके से अल्लाह की, अगर अल्लाह के साथ किसी ने शरीक किया वो काफिर, उसी तरीके से किसी ने रिसालत में किसी को शरीक किया वो भी काफिर। तो अब यहां पे नबी का हक ये है कि नबी ने जो नमाज पढ़ा है वही नमाज हमें पढ़ना है, नबी ने जिस तरीके से इबादत की है वही इबादत हमें करना है। तो हमें चाहिए कि यूनाइट होने के लिए सबसे पहले हम इत्तेफाक रख के और इकट्ठा हों। जिस तरीके से दो भाइयों के अंदर अगर लड़ाई होती है तो लड़ाई के अंदर जब कोर्ट में दो भाई जाते हैं तो प्लेट रख के एक साथ खाना, हालांकि आज चीज ये चीज मशहूर नहीं है, पहले हुआ करता था कि दो भाई जा रहे हैं, कोर्ट चल रहा है, केस चल रहा है, लेकिन दोनों एक साथ बैठ के खाना कर रहे हैं, फिर फैसला करवा रहे हैं, जो फैसला हुआ कबूल किया जा रहा है। तो आज उम्मत इकट्ठा हो, एक साथ खाना खाए, एक साथ पिए, एक साथ मोहब्बत करें, और किताबें खोल के खड़ा हो जाए कि आइए हम देखते हैं कि अल्लाह ने क्या कहा, नबी ने क्या कहा, नबी ने जो कहा अल्लाह ने जो कहा उसको हम तस्लीम कर लें। इसमें कोई आना कोई ना रखे कि नहीं मेरी इज्जत जा रही है तो मैं हार रहा हूं, ये कोई आना ना रखे, नबी ने जो कहा उसको कबूल कर लिया जाए। आप देखिए ये अगर सिफत आ गई 10 दिन के अंदर, मैं कह रहा हूं गारंटी कितने हाथ हो जाएगी 10 दिन के अंदर। लेकिन अगर जब तक ये सिफत नहीं, हारने जीतने आना परस्ती है जब तक नहीं गई, ये उम्मत कभी यूनाइट नहीं हो सकती। तो यूनाइट का जो रास्ता है आज उसी रास्ते को इग्नोर किया जाता है, फिर यूनाइट की बात की जा रही। सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ। أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ